अपन तो किनारे से निकलेंगे। यू कैन रिलाई ऑन अस एंड आवर रूट्स। यस सर। इसको देख करके आता है लद्दाख का फील। हम चलते हुए, ओह माय गॉड, वो देखो कैसे कैसे रास्ते हैं भाई साहब। हेलो हेलो, जुले जुले सर। तो भाई सर ने अपने को, ये देखो ताजे ताजे यहाँ एप्पल लगे हुए हैं और यहाँ से एप्पल तोड़ के हमको दे रहे हैं। सर आपका नाम? इशे। बहुत सुंदर नाम है सर। ये ग्रीन एप्पल ना? हाँ जी ग्रीन एप्पल। ये मेरे झोले में डाल दो सर। थैंक यू। इस वाले में है ना? हाँ जी सर। ओके, थैंक यू सो मच। रास्ते में काम आएगा ना आपको? हाँ। सफर बहुत दूर है आपका। मैं ग्रीन और दूसरा भी लेके आएगा? नहीं, बस एक दो ले जाओ। तो डिस्किट में मैंने भरा लिया है पेट्रोल। रात के जब गाड़ी ठीक करवा के आ रहा था तो मैंने फुल टैंक करवा लिया था और अभी 500 का पेट्रोल मैंने जेरिकन में ले लिया है और 235 का पेट्रोल मैंने टैंक में फुल करवा लिया। टोटल हो गया 735। तो अब मैं बढ़ रहा हूँ पेंगोंग के लिए। अभी टाइम हो रहा है सुबह के 11:15। तो चलते हैं अब पेंगोंग के लिए। पेंगोंग का यहाँ से डिस्टेंस बता रहा है 163 किलोमीटर। तो चलिए। देख रहे हो कितना सुंदर लग रहा है, सीधी स्ट्रेट रोड। मेरे लेफ्ट में यहाँ पर होता है ATV राइड। यू कैन रिलाई ऑन अस एंड आवर रोड्स। यस सर। क्या सुंदर नज़ारा है भाई। वाह। सुबह सुबह आर्मी का सल्यूट। लेट योर इंश्योरेंस पॉलिसी मैच्योर बिफोर यू। खालसर यहाँ से 11 किलोमीटर्स और है। तो ये भाई, तो भाई साहब देखो, डिस्किट हुंदर प्रताप थोइसे इधर है। और ये रात के मैं भूल गया था, देखो कितना सुंदर लग रहा है। इसको देख करके आता है लद्दाख का फील। वाह सुपर। हमारी पैंथर के जलवे हैं, सेव वाटर, सेव एनर्जी एंड सेव एनवायरमेंट। वाह कितना सुंदर पानी है इस नदी का, देख रहे हो भाई। थैंक यू पैंथर, थैंक यू इतना सुंदर नज़ारा अपनी सवारी में बैठा के दिखाने के लिए। तुम्हारा रिस्पेक्ट भाई मेरे लिए, मेरे बहुत ज़्यादा है तुम्हारा रिस्पेक्ट। ऑटोमेटिकली मेरा गाड़ी धीरे हो गया है। ऐसे सुंदर नज़ारे को एंजॉय करने के लिए कौन गाड़ी धीरे नहीं करेगा भाई साहब। अच्छा वहाँ पर बोटिंग या राफ्टिंग क्या बोलते हैं उसे, वो भी होता है यहाँ पे। वाह वाह वाह, बाइकर्स रुके हुए हैं यहाँ पे। क्या गाड़ी है भाई, इतना बड़ा टायर। तो भाई अपन ऐसी जगह पे आ गए जहाँ से, वहीं पर न्यूब्रा वैली अपन आ गए इधर से। अब जाना है श्योक और पेंगोंग भी इसी तरफ है। देखो अगम 24 किलोमीटर, शक्ति 87 किलोमीटर, वे टू पेंगोंग। चलिए भाई अब एक्चुअल सफ़र पेंगोंग के लिए यहाँ से स्टार्ट होता है। हाँ जी सर, पेंगोंग। पेंगोंग तो अभी बना रहा है, रोड बना रहा है। हाँ सर। कितना बंदा आप लोग? एक बंदा। अकेला? अकेला। हाँ जी सर। मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से आया हूँ। अच्छा, वैक्सीनेशन लगवा लिया सर आपने? हाँ। वेरी गुड सर। जाऊँ? आराम आराम से जाना। हाँ सर। ओके सर, जुले। सर ने पूछा कैसे जा रहे हो, क्या जा रहे हो। फिर मैंने सर को अपना मोटिव बताया। उत्तरी बच गया। मैंने अपना मोटिव बताया सर को और सर ने बोला ऑल द बेस्ट, आराम आराम से जाना। ये पूरा रेत यहाँ नीचे गिर गया है ना, इसलिए थोड़ा धीरे चलाना पड़ेगा। वहाँ फंस गया था मेरा गाड़ी का चक्का। पानी नहीं पियाऊँ तो कहीं पर रुक करके पानी पीता हूँ। ये देखो भैया लोग रील्स बना रहे हैं। जी भैया, किधर से आ रहे हैं भाई? मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से। रायपुर? ओके, एक्सेल। एक्सेल पर रायपुर से आता है?
आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? आंध्रा, आंध्रा। आंध्रा से? आपको एक्सेल देखने के और बात करने को। अरे सर थैंक यू। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? तो भाई आ गई अपनी वाटर क्रॉसिंग, लेकिन अपन इधर से जाएंगे किनारे किनारे होते हुए। हाँ जी थोड़ा इजी था ये तो, वो बीच में गड्ढा था वो देखा मैंने, वो गाड़ी का टायर क्रॉस हुआ। तो चलो कोई ना, ये चढ़ाई है। जय बजरंगबली। शायद इस गांव का नाम है रंगड़ू और यहां से अगम है 11 किलोमीटर्स मोर। भाई साहब ये देखो, फूल झाड़ियों के बीच से हम चलते हुए। ओह माय गॉड, उतरी ये बढ़िया था भाई साहब। अपन तो किनारे से निकलेंगे, जी हाँ बाइक करते हुए सर लोग। जंगलों के बीच से वाटर क्रॉसिंग, वाह मेरी पैंथर। अरे अभी तो और आगे है बहुत सारा, लगता है कैमरा बंद ही नहीं होगा। ये लो भाई साहब और एक वाटर क्रॉसिंग, रास्ता बहुत खराब। ओ तेरी, वाह वाह निकाल लिया तुमने पैंथर। कैमरा बंद किया ही था कि एक और वाटर क्रॉसिंग आ गया, फिर चालू करना पड़ा। ये लो भाई साहब खूबसूरत, मजा आ गया। बट टेंशन इस बात का है कि गाड़ी पंचर ना हो जाए अपनी, पंचर हुआ तो टेंशन ज़्यादा है। ये गाड़ी वाले भाई साहब हमारे लिए वेट किए, थैंक यू। ये लो भाई देखा, ओ तेरी सामने देख रहे हो एक और वाटर क्रॉसिंग। बड़े आराम का मामला है लग रहा है ये तो। हाँ जी बड़े आराम का मामला है, प्यार से। ये पानी आ कहाँ से रहा है? लेकिन फिर से वाटर क्रॉसिंग, किनारे से निकलो भाई साहब, वेरी गुड। वो देखो कैसे कैसे रास्ते हैं भाई साहब, डर भी लगता है और अच्छा भी लगता है। ये रास्ता है भाई चढ़ाई वाला, चल मेरी पैंथर। डिंग 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 डिंग, चल मेरी पैंथर। डिंग 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 डिंग, चल मेरी पैंथर। चली रे, हाय वाह जी वाह। लो आ गए हम चढ़ाई पे, बहुत सुंदर। वहाँ जो सोनू मैकेनिक भैया थे ना, जिन्होंने बेरिंग चेंज किया डिस्किट में, वो बोल रहे थे खूबसूरती हमेशा खतरनाक होती है। बात तो सही है उनकी। अब हम यहाँ से है 16 किलोमीटर और ये आ गया भाई एक ब्रिज। वाह ये ब्रिज यूट्यूबर्स लोग को ही देखा था मैंने पार करते हुए, आज हम भी कर रहे हैं। बच गया, इधर उधर ध्यान मत दे गोपाल, बड़े प्यार से चल। देख रहे हो भाई साहब, इधर पहाड़ इधर पहाड़ और बीच में एकदम सुंदर सा रास्ता। थैंक यू बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन इतना सुंदर रोड बनाने के लिए। तो सामने देखो बर्फ वाले पहाड़ भी दिख रहे हैं। For so long, I was living my life, was so wrong, always numb in my mind, battled on,
Building scars from the knife so far gone. झूले कैसे हो आप लोग? यू आर डूइंग लंच? ओके, ये लोग बहुत काम करते हैं तभी ये रोड इतनी अच्छी होती है, इसलिए इनको जब भी आओ तो झूले या कुछ भी ग्रीटिंग्स करो आप, समझे? इनको भी अच्छा लगता है। बाप रे क्या नज़ारे हैं भाई, मंत्र मुग्ध हो जाता हूँ ऐसे नज़ारे देख देख के। मैं क्या करूँ, मैं कैमरा ही बंद नहीं करवा रहा हूँ, इतना कुछ रिकॉर्ड हो रहा है कि पूछो मत। और थैंक्स पैंथर, ये सब कुछ पॉसिबल हुआ है पैंथर के कारण। अगली बार आऊँगा तो पृथ्वी को भी लेकर के आऊँगा, पृथ्वी को भी दिखाऊँगा ये जगह। देखो ये सब छोटा छोटा ऑफ रोडिंग पैचेस है, रोड अभी तक बहुत सही मिला है, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ। देख रहे हो रोड, ये पैच खराब है थोड़ा सा, बाकी सब ठीक। तो भाई हम पहुंच गए अगम विलेज, इसको अगम विलेज भी बोलते हैं, और यहाँ से दूरी है लगभग 115 किलोमीटर और पेंगोंग लेक। हवा बहुत तेज़ है, हरियाली खूब है यहाँ पर ना, ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है। यहाँ बहुत सारी गाड़ियाँ रुकी हुई है, क्या ये चेक पोस्ट है पता नहीं, नो चेक पोस्ट नहीं है। ओके दुर्बुक, किधर जाना है? पेंगोंग लेक इधर है, इधर है पेंगोंग लेक। अच्छा हुआ बता दिया। देख रहे हो भाई कितना सुंदर नज़ारा है, ये जो मेरे लेफ्ट में है ये शोक रिवर है, और देखो पहाड़ों को काट करके ऐसे रोड बनाया गया है, और नज़ारे कुछ ऐसे हैं दोस्तों, अद्भुत है भाई अद्भुत। कैमरा ही बंद नहीं हो रहा मेरा तो इन नज़ारों को देख देख के। बीच में शोक रिवर पर उफान आ गया था तो पेंगोंग का रास्ता बंद था, बहुत लोग पेंगोंग नहीं जा पा रहे थे, बट अभी देखो कितनी सुंदर है शोक रिवर। वाह यार, वो वहाँ पे स्नो वाले माउंटेन भी है। शोक विलेज 37 किलोमीटर, देखो क्या लिखा है बीआरओ ने, शूटिंग स्टोन एरिया अहेड, ड्राइव केयरफुली। शूटिंग स्टोन यानी कि बहुत ज़ोर से पत्थर नीचे आते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे कोई बुलेट शूट कर रहा है, इसलिए ड्राइव केयरफुली। वाह जन्नत है आ रही है, देखो हवा कितनी ज़ोर से आ रही है, हवा कितनी ज़ोर से आ रही है, ये रेत भी ऐसे ऐसे हो रही है, और ये थोड़ी सी ऑफ रोडिंग। यार पैंथर और किसी में इतना दम नहीं जितना तुम में है भाई, मुझे ऐसी ऐसी जगह ले जाने के लिए यार थैंक यू सो मच। चल 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 चल, ये देखो ऐसे भी रास्ते आपको मिलते हैं, समझे? ओह माय गॉड ये तो बहुत ज़्यादा है, लैंडस्लाइड भी हो सकता है यहाँ पर, बहुत कुछ हो सकता है, टेंशन है यहाँ थोड़ी। ओ ये ऊपर से गिरते हैं पत्थर, अब देखो नज़ारे फिर बदल गए, अब अलग ही नज़ारा आ गया।